subscribe to our channel and press the bell icon. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सर अब्दुल सत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। इंग्लिश ग्रामर लेसन्स फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच यानी सनतें 8, 9, 10, 11, 12 सबको आती है। इंग्लिश पोएटिक डिवाइसेस कहते हैं इसे इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स बिगिन। पहले देखते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है। फिगर्स ऑफ स्पीच आर जस्ट लाइक ऑर्नामेंट्स ऑफ द लैंग्वेज, यानी ये जबान के गहने जैसे होते हैं। द यूज़ ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच इज़ ऑफ कोर्स अ डेविएशन ऑफ द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्सप्रेशन और आइडियाज। दिस डेविएशन चेंज इज़ डन डेलिबरेटली टू प्रोड्यूस अ गुड इफेक्ट। यानी जो फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, ये अल्फाज में थोड़ा सी तब्दीली करके उसमें एक बेहतर उसके बयान को पेश करने का तरीक़ाकार होता है। अब सम ऑफ द फिगर्स ऑफ स्पीच कौन सी है, ये हम अभी पढ़ेंगे। सिमिली, एलिट्रेशन, अपोस्ट्रोफ, रिपीटेशन, एंटीथीसिस, इन्वर्जन, क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स, बल्लाड, मेटाफोर, मेटानोमी, ट्रांसफर्ड एफिटेट, ड्रामेटिक मोनोलॉग, पैराडॉक्स, आयरनी, पर्सोनिफिकेशन, ऑनोमेटोपोइया, क्लाइमैक्स, पन, हाइपरबोल, एपिग्राम, टॉटोलॉजी। इसके अलावा ऑक्सीमोरॉन और दो सिफतें और दो सनतें और हैं। सबसे पहले सिमिली सनत तजबी। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। इसे सिमिली कहते हैं, सिमाइल भी कह सकते हैं, सनत तजबी। बट बोथ द ऑब्जेक्ट्स हैव एट लीस्ट वन पॉइंट कॉमन इन देम, लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट्स में एक जो पॉइंट है वो कॉमन होता है। वी कैन ईजिली रिकग्नाइज सिमाइल बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ द वर्ड्स सो एज लाइक। ये सो एज लाइक ऐसे अल्फाज हैं जिससे हम सिमिली या सिमाइल को पहचान सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल्स हैं, हर लिप्स आर एज डेलिकेट एज रोज, आई वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, हर फेस इज लाइक द फुल मून। तो पहले में एज, दूसरे में एज और तीसरे में लाइक इस्तेमाल किया है। दूसरा है पैराडॉक्स। शायर ऐसी बात करना चाहता हो जो बज़ाहिर मुहमिल नज़र आती है मगर दर हकीकत बिल्कुल सही साबित होती है, उसे पैराडॉक्स कह सकते हैं। पैराडॉक्स इज़ अ पोएटिक डिवाइस विच इज़ डिफाइंड एज अ लॉजिकल स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टिंग इट्सेल्फ। ये एक लॉजिकल स्टेटमेंट होता है जो अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट होता है, यानी इसमें होने नहीं रहने में कॉन्ट्राडिक्शन होता है। इट कैन ऑल्सो बी सेड टू बी अ सेंटेंस डैट इज़ अपोज टू द कॉमन सेंस बट येट कैन बी ट्रू। अब एक ऐसी बात बयान कर दी जाती है जो कॉमन सेंस में शऊर के से बालातर होती है लेकिन सही हो जाती है। इसकी एग्जाम्पल्स है, इन दिस सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज़ आर गिवन थ्रू दे आर ट्रू। कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज़ दिए गए लेकिन वो सच है। शी रिवार्ड्स मी विथ टीयर्स, उसने मुझे इनाम बख्शा आंसुओं के साथ। माई स्लेट रिमेंस ब्लैंक इन स्पाइट ऑफ राइटिंग, देर इज़ नो वन सो पुअर एज अ वेल्दी माइजर। अ बल्लाड इज़ अ पोएम फोक टेल अ स्लो सेंटिमेंटल और रोमांटिक सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजास। यानी ये मसनवी के जैसी ही एक नज़्म होती है बल्लाड, और ये क्या होती है, ये एक फोक टेल होती है यानी पुरानी कहानी है। अ स्लो सेंटिमेंटल और रोमांटिक सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजा, छोटे छोटे स्टैंजा में कहानी बयान की जाती है। ट्रेडिशनल बल्लाड्स आर टिपिकली ऑफ अननोन ऑथरशिप हैविंग बीन पास्ड ऑन ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। यानी ट्रेडिशनल बल्लाड जो थे वो अननोन ऑथरशिप के थे, और जो जबानों के ज़रिए सीना ब सीना जनरेशन नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे थे। ड्रामेटिक मोनोलॉज क्या होता है, अ पोएम इन द फॉर्म ऑफ अ स्पीच और नरेटिव बाय एन इमेजिन पर्सन इन विच द स्पीकर रिवील्स एस्पेक्ट्स ऑफ देयर कैरेक्टर व्हाइल डिस्क्राइबिंग अ पर्टिकुलर सिचुएशन और सीरीज ऑफ इवेंट्स इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉज। द सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड इज इन द फॉर्म ऑफ अ ड्रामेटिक मोनोलॉज। यानी ड्रामेटिक मोनोलॉज क्या होता है, ये एक किस्म की तकरीरी या नरेशन होता है किसी इमेजिनरी पर्सन का। अब वो क्या करता है, वो बहुत सारे चीज़ों को गोशे गुजार करता है, आपके सामने बयान करता है, ये ड्रामाई अंदाज में वाक़यात को बयान करता है।
Transferred epithet. Epithet means the adjective, and in transferred epithet, an adjective is transformed from its proper word to another that is closely associated with it. Transferred epithet क्या होता है? ज़बान की इस खूबी को कहते हैं जिसमें शायर किसी मखसूस शख्स की खूबियाँ दूसरे शख्स में है पेश करता है, यानी ये सिफत के ज़रिए बयान किए जाने वाला फिगर ऑफ स्पीच है. ट्रांसफर्ड एफिटेट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ मॉडिफायर, यानी यूजुअली एन एडजेक्टिव, क्वालिफाइज अ नाउन, ये वो नाउन को क्वालिफाई करता है. अदर देन अ पर्सन और थिंग इट इज़ एक्चुअली डिस्क्राइबिंग, ये उस शख्स के अलावा ये बयान करता है जो वहाँ पर मौजूद है. इन अदर वर्ड्स द एफिटेट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द नाउन इट इज़ मीन टू डिस्क्राइब टू अनदर नाउन इन द सेंटेंस, यानी अगर किसी शख्स जो शख्स है तो किसी की खूबी बयान कर रहा है तो वो खुद की नहीं बल्कि दूसरे की ही बयान करता है. एन एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रांसफर्ड एफिटेट इज़ आई हैड अ वंडरफुल डे, यानी मेरा दिन बहुत अच्छा था. द डे इज़ नॉट इन इट सेल्फ वंडरफुल, यानी दिन तो अच्छा नहीं था लेकिन उस आदमी का दिन अच्छा था. द स्पीकर हैड अ वंडरफुल डे. द एफिटेट वंडरफुल एक्चुअली डिस्क्राइब्स द काइंड ऑफ डे, नॉट द स्पीकर. द स्पीकर एक्सपीरियंस. सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसफर्ड एफिटेट आर क्रोयल बार, स्लीपलेस नाइट एक्सेट्रा. उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा. अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी.